शोधन विधि है। शोधन आपको उत्तर देना है, शोधन उदात्तीकरण या मार्गांतिकरण। अगला प्रश्न पूछेगा वो बताऊं, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करना किस प्रकार की समायोजन विधि है? शोधन। तुलसीदास जी की कहानी याद करो एक बार, इसको समझने के लिए। आपको पता है कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रतनावली, बोलो हाँ का नाम। और तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, देखो इतना कि उसके बिना एक पल ही नहीं रह सकते थे। कई पीछे हंस रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, बालक भी हंस रहे हैं, बालिकाएं भी हंस रही है, वाह क्या बात है, ऐसे भी धरती पे प्रेम करने वाले थे क्या, जो कभी भी इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब आपको पता है कि एक दिन रत्नावली ने क्या किया, एक दिन रत्नावली बिना तुलसीदास को बताए अपने पीहर चली गई। जानते तो सभी हैं, फर्क इतना सा कि वो बिना बताए चली गई। उस जमाने में मोबाइल वोबाइल व्हाट्सएप वगैरह की सुविधाएं थी नहीं। तुलसीदास कहीं काम करने गया था, लौटा जब तक पत्नी दिखी नहीं। अब जैसे पत्नी नहीं दिखी वैसे तुलसीदास भगा पीछे की पीछे, रुका ही नहीं, एक मिनट ही ना रुका वो, तो पीछे की पीछे चल पड़ा, तालियां देते देते रत्नावली को कि मुझे बिना बताए चली गई, तो ऐसे कैसे कर सकती है, तुझे शर्म नहीं है, बताना तो चाहिए था, अब मैं क्या करूंगा। और ऐसे करते करते कहते हैं कि कोई नदी थी, नदी में मुर्दा था, मुर्दे पे बैठ के नदी को पार करके चला गया। मतलब उसको ये भी पता नहीं लगा कि मैंने नदी को मुर्दे पर बैठ करके पार किया। और कहता है कि जब वो 2:30 बजे अपने ससुराल पहुंचा, तो उस समय कहता है कि 2:30 बजे दरवाजे अरवाजे बंद थे, तो साइड में होकर के छत पे से कोई रस्सी वस्सी लटक रही थी, क्या था, सांप, सांप। अच्छा तुलसीदास सांप को पकड़ेगा तो सांप ऊपर से नीचे गिरेगा, तुलसीदास नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब इतना बड़ा सांप था वो, अजगर था, और अजगर तुलसीदास का फूफा होगा, फूफा जी लगते होंगे जो कह रहे हो कि आधा बेटा उनके पास ले चलो। रामचरितमानस में जो सांप है ना, सांप शब्द का प्रयोग हुआ, एक भ्रम का सूचक है, भ्रम का सूचक, सांप नहीं कोई रस्सी थी, रस्सी को पकड़ पकड़ा करके तुलसीदास जी चले गए पत्नी के सामने 2:30 बजे, और जाकर के बोले देख रत्नावली तेरे लिए मैं आ गया, कितनी कठिनाइयों को पार करके आ गया, तूने मुझे बताया भी नहीं, एक पल भी ये नहीं कह सकी, रुक ना सकी, कह ना सकी कि मैं जा रही हूं, मैं तो तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, देख आ गया। अब जैसे पत्नी ने रात के 2:30 बजे उसको देखा, एक बात बताओ, पत्नी को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए ना। अरे ऐसा नमूना किसी को मिले, गलत था मैंने, ऐसा नमूना किसी को मिले तो उसको अपने आप को क्या समझना चाहिए, भाग्यशाली। मैंने एक दिन पहले तुम्हें बता दिया था प्रतिगमन में, याद करो मैंने प्रतिगमन में भी कहा था, जब कोई दुल्हन को देख करके दूल्हा रोने लगे तो वो दुल्हन को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आदमी भावात्मक है, कैसे भी उपयोग किया जा सकता है, उपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उसी प्रकार तुलसीदास को जैसे ही पत्नी ने देखा, रत्नावली ने गाड़ियों पर गाड़िया गाड़ियों पर गाड़िया, कौन सी गाड़ियां दी थी बताए, लाज नावत आपको दौड़े आये हूं, साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां बसो मैं नाथ, अस्थि चरमम देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न भवो भीति। कि मूर्ख, पत्नी कह रही है पति से, मूर्ख इस हाड़ मास के शरीर में जो तेरा प्रेम है, जो तेरी वासना है, अगर ऐसा प्रेम भगवान श्री राम के चरणों में होता तो तू मुक्ति को प्राप्त हो गया होता। और बस जैसे पत्नी ने ये शब्द कहे, कि कहते हैं कि तुलसीदास ने पत्नी पर जो प्रेम था, तो पत्नी पर जो प्रेम था उस प्रेम के मार्ग को क्या कर दिया, बदल दिया।
और उस मार्ग को बदल करके कहां लगा दिया, भगवान श्री राम की भक्ति में। और एक दिन उसी भक्ति का परिणाम क्या रहा कि तुलसीदास आगे चल करके दुनिया में, दुनिया के अंतर्गत जो है बहुत बड़ा, क्या बड़ा, अरे क्या बड़ा, बहुत बड़ा साहित्यकार बना। उसी के परिणाम स्वरूप उसने रामचरितमानस की क्या करी, रचना। ऐसी कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम की है।